ठीक है सर। आज का जो क्लास रहेगा दैट विल बी ऑन द कंटेंट मार्केटिंग, राइट। एसईओ का जो स्ट्रैटेजीज हम लोग करते हैं, तो एसईओ का स्ट्रैटेजीज में दो स्ट्रैटेजीज में एक है लिंक बिल्डिंग एंड द ऑफिस ऑप्टिमाइजेशन। या तो इन दैट केसेस ऑफिस ऑप्टिमाइजेशन में ज्यादातर हम लोग का जो ऑलरेडी मैंने शेयर किया है कि ऑफिस ऑप्टिमाइजेशन इज ए बेसिकली कनेक्टिंग विद द अदर पीपल्स, कनेक्टिंग विद द अदर पीपल्स वेबसाइट, राइट। जैसे कि हम लोग जितना इन नियर रियल लाइफ जितना लोगों के साथ हम लोग उसके जोड़ सकते हैं, जितना लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उतना अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिलता है। इफ आई हैव अ फ्रेंड दोस आर वर्किंग इन सिलिकॉन वैली इन यूएसए एंड आई एम ए ऐप डेवलपर, राइट, एंड आई हैव क्रिएटेड समथिंग रियली गुड, समथिंग रियली ओर्थी, समथिंग रियली लाइक फंटास्टिक यू फॉर यूजर टारगेटेड टारगेट फॉर अ सर्टेन टारगेटेड यूजर्स। आई कैन पिच हिम और आई कैन पिच हर दैट ही आई हैव डेवलप्ड दिस, आई कैन गेट अ सम अपॉर्चुनिटी टू शोकेस माय प्रोडक्ट्स, माय सर्विसेस मे बी इन फ्रंट ऑफ द सम जॉइंट कंपनी बिकॉज आई हैव फॉर दैट कनेक्शंस। सिमिलर लेवल इफ यू हैव अ गुड लिंक्स फ्रॉम अ गुड अथॉरिटी वेबसाइट देर इज अ चांसेस दैट यू कैन शोकेस योर प्रोडक्ट्स, शोकेस योर बिजनेस इन फ्रंट ऑफ दैट ब्लॉग्स, दैट वेबसाइट यूजर्स, दोज आर रियली वर्थी फॉर योर बिजनेस। गॉट इट? सो मेरा एकेडमी बिजनेस है, मेरा एकेडमी वेबसाइट है। अभी अगर मेरा कोई भी बंदा इफ आई यूजुअली टेक इनिशिएटिव दैट about.com, हमिंग पोस्ट, मे बी द guardian.com, मे बी द telegraph.com, मे बी द न्यू टाइम्स ऑफ india.com, वहाँ पे वी हैव पोस्टेड अ कंटेंट, राइट। एक कंटेंट वहाँ पर डाला, उस न्यूज फॉर्म में हो सकता है, प्रेस रिलीज फॉर्मेट में हो सकता है ब्लॉगिंग और नॉलेज शेयरिंग वाइज। अगर वहाँ पे मेरा कंपनी और इंफॉर्मेशन वहाँ पे रहा तो वहां पे जो विजिटर्स मिलेगा दे आर द क्वालिटी पीपल्स, राइट। तो क्या होगा, वहां से दे कैन कम इन माय वेबसाइट एंड आई कैन गेट द कॉर्पोरेट ऑफर्स, कॉर्पोरेट डील्स, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स, द स्टूडेंट्स, दोस आर द रियली रियली वर्थी फॉर माय बिजनेस। सेम थिंग्स इज बेसिकली इज अगेन, यहाँ पे जो भी हम लोग को मिलेगा इज बेसिकली विल बी द हार्ड जॉब, बिकॉज जहां पे क्वालिटी के बात आता है वो इज ऑलवेज हार्ड। Think about the relationships. If a really nowadays relationship is very easy, right? I love you, bole dilam Shahrukh Khan style, and the let you be accepted or something like that. But it's not that much easy. A earthy man and earthy woman, they knows a value about their life. They choose very wisely. So in that cases, you have to be very competent for that. You have to prepare for that lady. Maybe that lady have to prepare for the bride. So in that way, what you have to, my intention to give that impulse, you also have to prepare yourself so that you can link with that website. So that they love to share your information in their post. That is all about the content marketing. Like in content wise, you have to prepare yourselves in a such a way that they usually love to share about your information, what you already shared in your blog. ঠিক আছে, তো কতগুলো টেকনিক হয় যে টেকনিকগুলো আমরা নর্মালি শেয়ার করছি, যেগুলো তোমরা তোমাদের যখন তোমরা চলার পথে অর্থাৎ when you will implement in for your website, you can try it. Mostly सम जेनरिक, मैं इसको दो कैटेगरी, अगेन मैं दो कैटेगरी में ऑलवेज मेरा वो एक फैंटेसी रहता है कि मैं दो कैटेगरी में बांट देता हूँ, क्योंकि आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे मतलब मेरे जो एक्सपीरियंस बना है, आई फाउंड देयर इज अ टू कैटेगरी ऑफ पीपल्स इज देयर, कि वन कैटेगरी इज बेसिकली दे ऑलवेज लव एंड कंफर्टेबल व्हाट आर द यूजुअली ऑल द पीपल्स आर डूइंग एंड सम कंपनी सम पीपल्स आर अलाउड टू एक्सप्लोर मोर। तो क्या होता है, अगर मैं बोल देता हूँ कि कुंदन को, कुंदन जो है भैया यहाँ पे जो एक लिंक बेट का एक टेक्निक्स मैं आपको शेयर करता हूँ कि ये ना ये बहुत बेहतरीन है, ठीक है, लिंक बेट का एक टेक्निक्स जो है मतलब कंटेंट रिलेटेड ही है, मैं एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, वो बहुत बेहतरीन है, बहुत फंटास्टिक है, इट्स और थी। अभी वो अगर उनका कंपनी का टीम लीडर को बोलेगा भाई चुप बैठ कुंदन, कर ले डीटी सबमिशन, कर ले वो वगैरह जो मेरे को रिपोर्ट दे, ज्यादा मत बो, मेरे को लिंक चाहिए, तो लिंक बना के मेरे को दे,
वो बेचारा वहां पे जाके वुड बी द डिमोटिवेटेड फॉर दैट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कहीं पे मिलता है कहीं पे नहीं मिलता है. तो इट डजंट मींस बेसिकली इट नेवर वर्क्स, इट नेवर हैपन, इट नेवर वर्कएबल. सो मैं उसी बेस में जो जेनरिक है वो एक कैटेगरी आपको बना देता हूँ, जो हो सकता है जो पॉसिबल है वो भी एक कैटेगरी में बना देता हूँ, ताकि आगे में जाके आप अच्छा भी कर सकते हो, जेनरिक जो है चल रहा है मार्केट में वो भी फॉलो कर सकते हो. ठीक है सर, फर्स्ट कैटेगरी मेरा जो आएगा दैट इज अ बेसिकली जनरल कैटेगरी. जनरल कैटेगरी में जो मोस्ट पॉपुलर है इसे बेसिकली आर्टिकल सबमिशंस, आर्टिकल सबमिशंस और एंड प्रमोशंस हम लोग लिख सकते हैं. दिस इज बेसिकली व्हाट अबाउट द मोस्ट कॉमन मोस्ट ओल्ड, ये ओल्ड वाइन के तरह है. इस बेसिकली आर्टिकल सबमिशंस एंड प्रमोशन इज द ओल्डेस्ट टेक्निक जहां से हम लोगों को अच्छे अच्छे साइट से हम लोगों को लिंक मिल सकता है. ठीक है, क्या करना पड़ता है, आर्टिकल सबमिशंस मतलब यहाँ पे एक आर्टिकल चाहिए. आर्टिकल होता क्या है सर, इसमें सबसे पहले मतलब आर्टिकल साइट में जाके रजिस्टर करना होता है, उसके बाद फिर थोड़ा नया यूनिक आर्टिकल लिख के करेक्ट पोस्ट करना. करेक्ट है सर, करेक्ट है सर, यही है. बट इसमें भी थोड़ा मजा है, थोड़ा मजा लेना चाहिए. ठीक है, तो आर्टिकल सबमिशन एंड प्रमोशन में फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज आर्टिकल. ठीक है ना, आर्टिकल इज ऑल अबाउट द बेसिकली, हाँ तुम्हें बोलते हो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स. ठीक है ना, सो आर्टिकल है हमारा जो नॉर्मली जेटा करी, आर्टिकल इज अ बेसिकली ऑल अबाउट द गाइडेंस एंड इज बेसिकली टिप्स ट्यूटोरियल्स ऑफ दैट काइंड ऑफ व्हेन यू आर मेकिंग अ जेमन आई मीन एक्टा एग्जांपल्स दे जेमन हाउ टू कुक अ रेसिपी, हाउ टू कुक द मे बी द चिकन करी विदाउट ऑयल. That could be a fantastic articles when you are targeting the health conscious or maybe the people, those love the food, a foodie people, right? So that would be the article. Now इरादा क्या है कि भाई ये article लिख के मेरा कोई भी एक अच्छा site से वो link मिले. यहाँ पे एक twist है. Twist क्या है कि पहले जो था, पहले techniques जो था मेरे जमाने में जो था, मैं बुढ़ा नहीं हुआ बट जो एज के साथ साथ वो चल रहा है, एज के साथ साथ कुछ कुछ की चीज एब्सोल्यूट हो जाता है. अभी भी कुछ कुछ कंपनी में वो प्रैक्टिस चलता है, कुछ जगह पे नहीं चलता है, ज्यादातर नहीं चलता है, बट जहां पे चलता है यू हैव टू फॉलो देयर पैटर्न. बट वो स्पैम पैटर्न होता है कि पहले एक का आर्टिकल लिखते थे, एक आर्टिकल लिखते थे एंड वी यूजुअली आवर टारगेट वॉज टू दैट आर्टिकल विल बी पोस्टेड इन द एज मच एज मेनी वेबसाइट अवेलेबल इन योर नेटवर्क. मतलब एक कंटेंट लिख के हम लोग 200 साइट में सबमिट करना, ये हम लोग का टारगेट रहता था. आई एम टॉकिंग अबाउट द 2005, 2006, 2000 इनफैक्ट 8 और 9. बट 9 के बाद 9 और 10 के बीच में देयर इज अपडेट्स इज कमिंग अप दैट व्हिच नॉट अलाउ इन द डुप्लीकेट कंटेंट. गूगल देख रहा है कि भैया जो इजाइन आर्टिकल में भी जो मिल रहा है वो गो आर्टिकल में भी मिल रहा है, वो दूसरा आर्टिकल बेस में भी मिल रहा है. सो यूजर्स जो है उसको तो सारा जगह में सेम कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो इससे यूजलेस. और गूगल का जो डेटाबेस है वो वहां पे भी इंडेक्स करना पड़ रहा है इसको भी, तो डेटाबेस सारा डुप्लीकेट में भर रहा है. तो एक क्राइटेरिया ला दिया कि भैया आर्टिकल जो है वो यूनिक होना चाहिए. अगर डुप्लीकेट आर्टिकल आपका साइट में रहता है तो इट इज गेटिंग अ पेनालाइज योर वेबसाइट. तभी जो आर्टिकल साइट आप डुप्लीकेट कंटेंट लेता था दे आर कमिंग ऑल्सो द क्राइटेरिया कि मेरे वेबसाइट में सिर्फ मैं यूनिक कंटेंट लूंगा, डुप्लीकेट कुछ कंटेंट मेरे यहाँ पे नहीं चलेगा. एज वी आर मार्केटर वी हैव टू फॉलो द नॉर्म्स. सो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग को भी सीख मिल गया कि वी आर कमिंग अप विद द कंटेंट व्हिच इज फॉर ओनली वन वेबसाइट. तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ नाइस आर्टिकल. आर्टिकल सबमिशन साइट जाने से पहले आपको फर्स्ट आपको प्रोडक्ट तैयार रखना है ना तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे. तो टारगेट यहाँ पे हो सकता है कि सर आर्टिकल साइट सो इज देयर प्लेंटी ऑफ वेबसाइट. ठीक है ना, प्लेंटी ऑफ वेबसाइट इज देयर जहाँ पे आर्टिकल सबमिट करके उसी साइट से आपको लिंक मिल सकता है एज अ रेफरल लिंक. नाउ व्हाट वुड बी माय टारगेट, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं एक बात बोलता हूँ कि कट योर कोड अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट, लाइक अकॉर्डिंग टू योर मनी और समथिंग द एफर्ट द आर्टिकल राइटर यू हैव, द कंटेंट राइटर यू हैव. अगर आपके पास डेली 3 आर्टिकल देने का बंदा है तो मायने में आपको अराउंड 75 आर्टिकल आपको प्रोड्यूस करने का मौका है.
तो इन दैट केसेस 75 न्यू वेबसाइट आर्टिकल वेबसाइट जहां पे कंटेंट दे के दे आर अलाउइंग आई कैन गेट अ लिंक फॉर माय वेबसाइट. अगर मेरे पास एक है, एक आर्टिकल मिलता है वो भी हफ्ता में एक, तो आई विल गेट अ रीच फॉर द फोर आर्टिकल, फोर लिंक्स फॉर माय वेबसाइट. जहां पे मेरा 75 मिलता था वहां पे फोर मिल रहा है, और अब मैं जो फोर है वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा फास्ट रैंक में आएगा, जो 75 है वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है फास्ट में आएगा. अभी आप बोलो कौन किसको आना चाहिए. That is the way. কথা বুঝতে বোঝাতে পারছি? তো that is basically the way it is working. And something is basically কোন 75 কর রহা, কোন 100 কর রহা, ये भी आपके magic wise. Means is you in front of you don't know. You don't know Kundan what doing. You don't know this lady what she is making her strategy. That is the fantastic for our industry. That is a challenge for our industry. That is what we do. That is what we usually seek a challenge for our things. ठीक है ना? तो in that cases, first we will create the article, and the article should be formatted look like this. A title which will attract the people's eyes, along with your keyword combinations, keywords putting the keywords into that title. For example, if I have a chicken recipe. Is my keyword. I am selling the chicken recipe. Maybe I'm kind of. So in that cases, keyword वहाँ पे blending हुआ है कि the how to cook chicken recipe without oil. So in that case, or chicken curry recipe. So without oil. So you can come up for that one. So that will be the title. Understood? Next part will be the body part. And next part will be the a summary will be required. Next part will be the some cases you have to put the keywords, you have to put the tags, and there is a one section where the author details आपको एक चाहिए. तो क्या होता है ये जो format है, हाँ यहाँ पे category sub category ही आपको choose करना है, क्योंकि site में जाके category जैसे DT में किया था यहाँ पे category sub category choose करना है. But this format you noted for so that you can get this format from your content writer. कंटेंट राइटर इसी फॉर्मेट में आपको देगा ताकि आपको टाइम सेविंग हो. तो कंटेंट राइटर टाइटल देगा, आप कॉपी करके वहां पे उनका टाइटल बॉक्स में डालोगे, बॉडी वाला डालोगे, समरी. तो ये फॉर्मेट जरूरी है, ठीक है? आप नोट कर लो ताकि आपको याद रहे. नेक्स्ट इज आपको ये एक बात ध्यान में रखना है, द यूजुअली कंटेंट जो अलाउ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में वो अभी मिनिमम क्राइटेरिया एटलीस्ट आपको 500 मांगता है. 500 words. In fact, design में 400 words body में रहना चाहिए, title रहना चाहिए, summary रहना चाहिए, author details रहना चाहिए. तो overall हम लोगों को 500 words हम लोगों को content लिखना. Design में लेकिन डालना सर मतलब पूरा correct होना चाहिए. Definitely भैया, जहाँ पे quality के बात, मैं तो एक example पे आपको बोल दिया, जहाँ पे quality है वहाँ पे आपको quality की हिसाब से काम करना है. Quality sites never ever allow for the generic things. That is a challenge. If you are getting an advantage for that. So आपको उसी base में आपको prepare करना है. आपको नहीं आता तो आप जो जिसको आता है उससे help लो, ठीक है? But आपको link चाहिए, ठीक है? So this will be the format for the article submissions. And जब ये मिल जाता है आपको, आपको क्या करना है? आपको जाना है Google में. And आपको formula भी मैंने बोल दिया, free. And you can follow the do follow. लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो. हाँ, आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट लिस्ट. सो जब ये दे दोगे तो इन दैट केसेस यू विल गेट अ प्लेंटी ऑफ वेबसाइट लिस्ट अवेलेबल इन नेट. आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे जा सकते हो, एंड यू कैन कम अप फॉर द योर काइंड ऑफ लाइक. आप वहां पे जाके यू कैन पुट अ लिस्ट फॉर योर सेल्फ, एंड आप एक लिस्ट आपके लिए बना सकते हो. एंड आई एम जस्ट शोइंग वन. अब देखो यहाँ पे लुक एट दिस, द साइट्स इज देयर, ओके, लाइव जर्नल, टम्बलर, स्टोरीफाई, न्यूज़वाइन, गूगल पेजेस, ये करे गूगल पेज क्रिएट करा जाए सेटा ये करेছে. এবারে এখানে देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वेबसाइट, बट द पॉपुलर आर्टिकल जो साइट्स जो है इजन आर्टिकल्स, आइसनेट, এগুলো সবগুলো পপুলার. আমি একটা সাইট আমি লিখে দিচ্ছি, দেখিয়ে দিচ্ছি. ইজাইন designarticles.com is most popular website.
Design articles actually they takes the for 24 hours to 48 hours content you know yes when you are putting the content they have the internal checking methods is there like when you put the content their team is there their automatic process is also there they will check the grammatical mistakes they will check the duplicacy they will check the content relevancy and then they allow it to publish in their website if there is any error in a grammatical wise spelling mistakes and other things is happen so they will notify you for rectifications so then when you rectify and you will publish it then again they will verify if it is go through they will allow you to publish means it's a publish in the their life site and when it is published it will look like this for example we will get our yes like look at this trick is to develop slim habits it's fantastic like it attracts people's eyes trick is to develop develop slim mm-hmm. habits so now they have this is a title right this is a title this is a basically the kind of the body content and this is a author information and this is a might be a summary okay and this is a author details and over here she put it the website this and this is a basically links they got from this website this is a link back this is a kind of link and look at this is basically is viewed 17 times already 17 people already visited this page so I can assume out of 17 traffic they might get maybe the 20% or 25% maybe the 50% they click as we are clicking right now so ye unka ek institute size hai jo coaching karate hain weight loss ke upar so they can get the traffic and they can get the business out of it got it na so this is the formula this is a simple formula where basically you can attract the people via article as well as it helps you for the SEO point of view because you are getting a links for the OTI website okay sir done cool perfect chalo next level sir next level of the most popular content marketing category would be the queer means is a press release yes sir sir iska to matlab iska detail likhi hai sir ki iska date location body summary aur tag keyword content details and aur kya hai contact person details to karna kaise hai ye nahi jante okay to janne ke liye baithe hain yahan pe चलो सर आपको ढूंढ रहे थे दूसरा बैच में मेरे को हाँ कोई एक बंदा नहीं है कुंदन नहीं आएगा कुंदन नहीं कुंदन नहीं प्रदीप हाँ प्रदीप झारखंडी हाँ प्रदीप और ये आपको मिस कर रहा था आपका बात कम और बहुत अच्छा बोल रहे थे हाँ तो नाम वो या तक नाम टाफ है इतना बैच में इतना स्टूडेंट्स आपका नाम याद है तो आप बहुत नया नया बंदा आ रहा है ना अभी सो एनीवे चलो नेक्स्ट टाइप इज बेसिकली पीआर प्रेस रिलीज सबमिशंस एंड प्रमोशंस सेम तरीका है डिफरेंस क्या है आर्टिकल और प्रेस रिलीज से डिफरेंस टाइम एक बुझिए दिले तुम्हारे बुझते पार पे प्रेस रिलीज इज अ बेसिकली काइंड ऑफ द न्यूज वी रिसीव इन द न्यूज़पेपर एंड अदर फॉर्मेट ये न्यूज फॉर्मेट है ठीक है न्यूज फॉर्मेट में क्या होता है वहां पे मैंने बोला हाउ टू कुक चिकन करी विदाउट ऑयल दैट इज माय आर्टिकल ऑफ सेम टॉपिक्स इफ आई एम मेकिंग इट्स अ प्रेस रिलीज इट विल बिकम संजीव कपूर लॉन्चिंग चिकन करी रेसिपी मे बी द रेवोल्यूशनरी ऑयल फ्री चिकन करी रेसिपी एट हाथ tomorrow so same things is coming as a news it should be a place it should be a people's those are basically releasing news anything so same things blend in a different manner
হয়তো আমি সঞ্জীব কাপুরের ওই জিনিসটাই আমি এখানে প্রমোশন করছিলাম, সঞ্জীব কাপুরের ওই লিঙ্কসটাই আমি দিচ্ছি, তো কিন্তু ওটাকে নিউজ আকারে রেডি করা। ক্লিয়ার স্যার? সো প্রেস সিরিজ ইজ অলসো আ আর্ট ওয়ার ইউ আর ক্রিয়েটিং এ নিউজ। এখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং থাকে, স্যার আমি একটা সাইট পেয়েছি, ধরো ওর ওর সাইটের জন্য কেউ লিখছে। এবার নিউজ কখন হয়? অনেক ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট কি হয়, ক্লায়েন্টের থেকে আমরা জিজ্ঞেস করি যে স্যার ডু ইউ হ্যাভ এনি নট টেস্টিমোনিয়াস, ডু ইউ হ্যাভ এনি নিউ আপডেটস, ডু ইউ আপডেট এনি 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 আপডেটিং এনি সফটওয়্যার। মেবি দ্যাট যদি আমি তোমার ক্ষেত্রে বলি, তোমাকে যদি আমি ক্লায়েন্ট হিসেবে ট্রিট করি, ইউ আর অ্যাপস ডেভেলপার, ইউ আর অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি, ইন দ্যাট কেসেস ইউ হ্যাভ আ প্লেন্টি অফ নিউজ। মেবি ইউ লঞ্চ সাম অ্যাপ, মেবি ইউ 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 আর প্ল্যানিং টু লঞ্চ সাম অ্যাপ, মেবি ইউ আর লঞ্চিং সাম সফটওয়্যার, মেবি ইউ ডেভেলপ সাম আপডেটস সামথিং। Some people have a, like তুমি একটা বড় বাজারের পার্টিকুলার ইউ হ্যাভ গট আ প্রজেক্ট, দোজ আর দ্য বেসিক্যালি অনলি দ্য কাইন্ড অফ পিপলস দোজ আর সেলিং আ শাড়িস আর মেবি দ্য ল্যাপটপস আর মেবি দ্য মোবাইলস আর মেবি দ্য ই কমার্স ওয়েবসাইট। সো হোয়াট দে ডু, দে ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ আপডেট ইন দেয়ার ওয়েবসাইট, মানে আপডেট হ্যাঁ বাট উন লোক ইনফরমেশন দেতাই নেই। ঠিক আছে, আপকো বিজনেস লানা ভাই, র্যাঙ্কিং লানা মেরে কো, আপকো ইসে মতলব ক্যা হ্যাঁ, মে ক্যা কর রহা হুঁ, আপকো ক্যা বলু, কি বলু, মে ক্যা কর রহা হুঁ, মে সো ইজ কামিং ইন টু উসকে বিবি কে সাথ কাহাঁ পে জা রহে, দ্যাট ইজ পার্টিকুলার, মেরা মতলব ক্যা হ্যায়, এসে ভি বোল দেতে হ্যায়। ইন দ্যাট কেস ইজ আ ভেরি টাফ কল ফর দ্য কোঅর্ডিনেটিং উইথ দ্য ক্লায়েন্টস, তব ক্যা করোগে, তব হাম লোগ ক্যা করতে হ্যায়, উনকে এক প্রোডাক্টস কো লেকে হাম লোগ ক্যা করতে হ্যায়, উনকো বানা দেতে হ্যায় নিউজ, কি দিস প্রোডাক্টস ইজ বেসিক্যালি লঞ্চিং সাচ ইন সাচ ডেট, and that is the basically news already our product maybe the 2 saal pehle wo launch hua hai, creating the news, who knows, we are creating and targeting the new customers, theek hai na, ho sakta, that is basically we do and that we create the news and already discounts diya hua hai 3 mahine ho gaya to abhi wo de raha hai ki discount just is for the valid days and it is launching 12 PM days. न्यूज हाइप करना तो वो न्यूज बनता है। न्यूज में क्या रहता है, न्यूज का फॉर्मेट में बराबर आपका डेट एंड लोकेशन इज अ वेरी वाइटल पार्ट इन इसमें जो देगा कंटेंट है। हाँ सर, डेट लोकेशन वो भी समझे टैग बैग, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो सबसे पहले लोकेशन शुड बी इन माय केस शुड बी गूगल ऐप, नो लोकेशंस इज बेसिकली कहां पे हो रहा है, मतलब वो जो प्रेस गूगल ऐप में ही करें, आई विल डू इन हाँ, बट गूगल ऐप में तो आप लॉन्च कर रहे हो, बट इसे बेसिकली इस कमिंग अप आपका कंपनी कहाँ का है, आप वो तो ऐप्स जो है, ऐप्स तो वहाँ पे है, बट हम लोग न्यूज कवरेज करते हैं कि आप तो ऐप जो कर रहे हो उसका तो एक फंक्शन कर रहे हो, इसका तो इनॉग्रेशन कर रहे हो, इसका तो कुछ कर रहे हो, जो आप प्रेस जो प्रेस के साथ जहाँ पे मीट कर रहे हो, दैट इज द पॉइंट। सो इन दैट केसेस दैट वुड बी द योर प्लेस, मतलब আপকে ইহা পে লঞ্চ হো রা, আপকা লঞ্চিং প্রোগ্রাম হো রা, দ্যাট ইজ পার্টিকুলার কাইন্ড অফ থিংস, ইট উইল নট লাইক প্রোগ্রাম, তো জাস্ট ক্রিয়েট দ্য থিংস কি আপনি, তুমি একটা মেনশন করছো কি উই আর লঞ্চিং দিস এন্ড উই আর দিস 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 ইজ ফিচার্স, এবং ওখানে মেনশন থাকবে কি তোমার অ্যাপসে বেসিক্যালি এভরিওয়ান নোস কি কি অ্যাপসটা আইদার গুগল প্লে স্টোরে হবে অর মেবি দ্য আইফোনে হবে বা এরকম প্ল্যাটফর্ম যেগুলো রয়েছে সেখানে হবে, তো সেটার জন্য ইনগ্রেশন যেটা করছো তুমি যে টিম নিয়ে যে ফাংশন করছো বা এরকম হচ্ছে ওরকম হচ্ছে সেটা একটা রেডি করা, তো সেটা নিউজের মধ্যে চলে আসবে, মানে সেটাকে নিউজ আকারে প্রেজেন্ট করা হবে। সো ডেট এন্ড লোকেশনস থাকবে এন্ড ডেফিনেটলি দ্য বডি কন্টেন্ট, বডি উইল বি দেয়ার এন্ড লোকেশন কা মতলব ইয়েহি না স্যার, জেসে ইয়াহা পে পেপার হ্যায় না কা নিয়ারেস্ট কোই পেপার হ্যায়, পেপার মে দেখনা কি আপকা ও এরিয়া লে রহতা হ্যায়, শিলিগুড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যায় না শিলিগুড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা, দ্যাট ইজ আ বেসিক্যালি ডেট এন্ড লোকেশনস ইজ বেসিক্যালি রিকোয়ার্ড, এন্ড ডেট কা লোকেশন ইজ আ ভেরি ভাইটাল পার্ট সাম কেসেস, সেদিন লোকেশন কম্পানি নেম
কোম্পানি অ্যাড্রেস, কন্ট্যাক্ট ডিটেল, মাথা ফোন নাম্বার, ইমেল আইডি, এগুলো তুমি দিতে পারো, দিতে পারো। সো দিস ইজ দ্য বেসিক্যালি অ্যান্ড ডেফিনেটলি ট্যাক্স অ্যান্ড কিওয়ার্ডস র্যাস একটা, ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ইউজুয়াল ফর্ম্যাট, একটা ফর্ম্যাট দেখিয়ে দিই তাহলে সুবিধা হবে বুঝতে যে কিরকম হয়। जो साइट में रजिस्टर कर दिए और फिर वो मतलब आर्टिकल लेंगे इस टाइप का, ठीक है, उसमें सबमिट कर देना, सबमिट कर देना, सेम थिंग, सेम थिंग, सेम थिंग, थोड़ा सा अंतर वही है जो आप बोले, फॉर्मेट का अंतर है, फॉर्मेट का अंतर है। সবগুলি ক্যাটাগরি বা এগুলো থাকবে, সবগুলি ফান্ডামেন্টাল ওটাই, ফান্ডামেন্টাল ওটা দিস। URL Federal University to host the best young physicist from four parts of the world. So this is a news. Space and Sustainability International Sign Historic Agreement. Getting na? So the format, all in one plain sense, insert takes a unique heading. Microchips announces next generation Bluetooth low energy solutions. If we taking this, so this all are the news type. ये तो आप न्यूज टाइप दिखा रहे, न्यूज टाइप वही तो, लेकिन जब हम लोग किसी साइट का करेंगे वो तो थोड़ा अलग मतलब तरीका हो जाएगा उसका। भैया ये भी वो भी मिलेगा आपको, आपको क्या चाहिए बोलिए, ऐप्स में करो करो कुछ। हां हां सर, इसे एक साइट लेंगे, साइट में रजिस्टर करेंगे वो चीज। हां वो तो डेफिनेट, ये साइट है, ठीक है, ये साइट है, आपको दिखाई दे रहा है सबमिट प्रेस रिलीज, ठीक है ना। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मैं टैब में ओपन करता हूँ, तो टैब में ओपन कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो यू हैव टू रजिस्टर, जाहिर बात, तो रजिस्टर जब करोगे आपको एक बार दिखा दिया कि बोल दिया कि भैया जहाँ पे आपको रजिस्टर कर रही हो, जहाँ पे कर रही हो वहाँ पे जितना अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, मतलब आपको अगर पिक्चर देने का मतलब आपको अपॉर्चुनिटी है, पुट योर, अगर बिजनेस प्रमोट कर रही हो तो बिजनेस का लोगो वहाँ पे डालो, अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो तो आप पर्सनल इमेज डालो, आप बिजनेस में वहाँ पे हर कैटेगरी जो भी इंफॉर्मेशन है, आपका ट्विटर देने का मौका है, फेसबुक देने का मौका है, इंस्टाग्राम देने का मौका है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, जितना देने का मौका है आप दो, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, 90% पीपल्स, मोर देन 90+% पीपल्स, दो सेक्टर डूइंग द टिपिकल SEO, वो लोग वो मिस करता है, वो लोग सेफ काम करता है लिंक बिल्डिंग के लिए, नेवर एवर डू दे यूजुअली वर्क फॉर द हाउ टू जनरेट द बिजनेस, क्योंकि मतलब यही है कि भैया मेरा लिंक से मतलब है तो भैया चलो। यस सर, जो कंपनी में थे सर बस वो केवल वही करता। हाँ, दैट इज एग्जैक्टली आई एम टेलिंग ना, वो ही ऑलरेडी वर्क इन एशिया कंपनी, सो व्हाट आई एम सेइंग दैट इज ही एग्री विद दिस, मीन्स वही होता है कि वहां पे बेसिकली ऑलवेज पुश यू कि आप नाम रजिस्टर करो एंड नाम रजिस्टर करके सबमिट करके मेरे को लिंक दो, सिंपल, कोई भी एक ले लेते हैं तो फाइन।
चलो और हम तो खुद से भी आर्टिकल लिख के उसको इस फॉर्मेट में तैयार करके आराम से यस 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 फॉर्मेट वो है, अभी आपको इनपुट देना है, वो चाहे आप दो, आपका गर्लफ्रेंड दे, आपका राइटर दे, उससे कोई मतलब नहीं, फादर मदर फ्रेंड्स जो भी है, कंटेंट मिलना जरूरी है। लुक दिस, मेरा फॉर्मेट देखो, लाइक्स देख रहे हो यहाँ पे लोकेशन है, देखो यहाँ पे डेट है, देख रहे हो लोकेशन ये है सर, ये है एनजे एनजे कहाँ मतलब पोलैंड जर्सी न्यू जर्सी ठीक है एंड दिस इज अ बेसिकली डेट, दिस इज अ बेसिकली बॉडी कंटेंट ठीक है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे लाइक ऐप एसोसिएट यहाँ पे डिटेल्स बिजनेस डिटेल्स अबाउट ऐप एसोसिएट ठीक है एंड उसका ऐप एसोसिएट का बिजनेस का लिंक्स यहाँ पे दे हैव गिवन। लुक एट दिस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स बोला है, देखो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल रहा है जो भी मैंने यहाँ पे शेयर किया, क्लियर सर? डन, क्लियर, कूल। सो आपको ये डिटेल्स जब मिल जाएगा, एज ए मार्केटर माइंड इट, आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन देने का जिम्मेदारी कंपनी का है, व्हेन यू आर डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ एनी कंपनी। अगर आप क्लाइंट के काम कर रहे हो, अगर आप प्रोजेक्ट्स उठा रहे हो, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आप कराओ या आपका कंटेंट राइटर हायर करके कराए, ठीक है जी। सो दैट इज, अगर आप बिजनेस के लिए, अपना बिजनेस वेबसाइट के लिए एसईओ कर रहे हो और उसमें कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में प्रेस रिलीज को इंक्लूड कर रहे हो, इन दैट केसेस आपका जिम्मेदारी है वो आप लिखो, चाहे आपका कंटेंट राइटर से लिखा के आप सबमिट करो। जरूरत लिंक का है, जरूरत पॉपुलैरिटी का है, ब्रांडिंग का है, क्लियर सर? डन। तो आमार तो सेम ही प्रोडक्ट है, आमार सेम ही माने कंटेंट मेन গল্পটা সেম ই থাকবে, তো সেটাই ডিফারেন্ট ভাবে করে ওটা লেখা হবে, ডিফারেন্ট ভাবে করে বিভিন্ন সাইটে পাবলিশ করা হবে। আমি এরকম ভেবে নিলাম যে একবারে 75 অর অ্যাপ্রক্স 100 নিয়ে নি, তো সেগুলোকে বারবার করতে থাকব, ইজ দ্যাট আ ম্যাটার? নো, একটা কন্টেন্ট একবারই, এক জায়গাতে একবার। ধরুন abc.com, ওই সাইটে আমি একটা কন্টেন্ট দিলাম, ওই কন্টেন্টটা xyz.com এ হবে না, এটা একটা শর্ত। সেকেন্ড শর্ত হচ্ছে, পরে যে কন্টেন্ট আবার abc.com এ দিই আমার কোনো ফায়দা নেই, আমার ওই xyz.com এ আমি দেখব। তাহলে যতগুলো 75 সাইট, 75 আর্টিকেল দিয়ে সাবমিট করব। আমি ওটা টার্গেট করব যে আমি 3 মাসের মধ্যে টাকা টার্গেট করব, 3 মাসের মধ্যে আমি ওটা নেব বা কিছু এটা করে ক্যান টার্গেট ইট। স্যার কই কই এসে বল স্যার, ও যে আর্টিকেল লিখতে থে হাম ক্যারেক্টার কা, তো ও ওয়ার্ডপ্রেস মে হি, মতলব ওয়ার্ডপ্রেস হো গয়া उसमें ही बहुत सारा मतलब कर देते थे। हाँ, अंडरस्टैंड। देखो वो सारा का सारा स्पैमिंग मेथड्स है, वो सिर्फ क्लाइंट को बुद्धू बनाने के लिए होता है, क्लाइंट को जस्ट क्या बोले, क्लाइंट को सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रिपोर्ट क्रिएशन के लिए होता है, क्योंकि आप बहुत काम करे हो, भी तो मेहनत दिखाना चाहिए ना, तो वो दैट इज बेसिकली मेहनत आपको वहाँ पे दिखता है, रिपोर्ट में दिखता है, एंड क्योंकि क्लाइंट को एट द एंड ऑफ द मंथ बेसिकली दे विल get the final report and pay that for that. ठीक है सर, चलो हम लोग नेक्स्ट कैटेगरीज में चला जाते हैं, एंड नेक्स्ट कैटेगरीज बेसिकली आई यूजुअली रिकमेंड दैट द पॉपुलर वन कंटेंट मार्केटिंग में, दैट विल बी द बेसिकली वी कैन जो अभी फिलहाल में लास्ट 3-4 years मोस्टली चल रहा है, दैट इज कॉल्ड अ गेस्ट पोस्टिंग। যেটা আমি আমি পরবর্তীতে বলবো, ওটা কিছু ফ্রি আছে, কিছু পেইড মেথডস, পেইড মোস্টলি পেইড নয়, ইটস এ ফ্রি মেথডস, বাট টেকনিকটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য ইউ রিকোয়ার্স এ লাইক সাম কাইন্ড অফ লাইক এফোর্ট, সাম টিম ওয়ার্ক ইজ রিকোয়ার্ড, সাম Teamwork is required, some effort of like time effort, okhanta dorkar, research ta main, yeah, that would be teamwork means ekshathe onek mile kaaj, jemon link building, tumi jokhon tumi amra link bait bole amra techniques amra apply kori, to link bait e amra korlam je jemon dhoro amra jemon obama
ধরুন আমার একটা নিউজ চাই, সেখানে ওবামা কুকুরটাকে, কুকুরের নাম কি মাঝখানে উঠেছিল না, কুকুরের নাম মনে হয় ইয়ে রেখেছে, হ্যাঁ কিছু একটা রেখেছে বা সামথিং, আর মেবি দা ওটা আমাদের কারো একটা সরকারের কোনো একটা বড় উচ্চ উচ্চ কোনো মন্ত্রীর নামে হয়তো রেখেছে। সো দ্যাট ইজ এ বেসিক্যালি কাইন্ড অফ, মানে আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দ্যাট নেগেটিভ ওয়ে, ইটস বেসিক্যালি সামথিং বেসিক্যালি যেটা জুসি, কিছু জিনিস নিয়ে নেওয়া এবং তার বেসিস যুক্তি খাড়া করা। যেমন ধরো তুমি অ্যাপস ডেভেলপ করছো, নাও ইফ ইউ গেট আ এনি ক্লু ফর দ্য গুগল হুইচ ইজ ইন্টেনশনালি দে আর ডাউনিং সামওয়ান, মেবি দে আর গিভিং সামথিং সামথিং, দেয়ার ইজ সাম নেগেটিভ ফ্যাক্টর্স ইজ দেয়ার, সামথিং ইজ বেসিক্যালি গসিপ করা যায়, আর যেটা পার্টিকুলার বেসিক্যালি হুইচ ইজ আ হুকিং ফর দ্য আদার মিনস, তো সেটা তুমি ওখানে তুলে ধরলে, এবং সেটা ইজ নট আ ওয়ান পিপল জবস, ইটস রিকোয়ার্স আ লট অফ থিংস অ্যান্ড অল, করে নিয়ে যেরকম নিউজ ক্রিয়েট করে না নিউজ সাইটে, সেরকম করে ওটা যখন তুমি দেবে, এবার কী করবে, ও বলবে আরে না এটা, যেমন এই যে সালমান খান বলেছে কি করেছে, এটা স্ট্র্যাটেজি, সিম্পল স্ট্র্যাটেজি, মীরা নায়ারের বই কি স্ট্র্যাটেজিতে চলে, ওর আগে সাবানা আজমি টাকলু হয়ে গেল, ওটা নিয়ে সবাই কি ওখানে কিছু একটা সেকশন আছে ওখানে এবার সিনেমা দেখো, সালমান খান বলেছে যে আমাকে এমনভাবে করে এক্সারসাইজ করিয়েছে যাতে করে আমার কোনো একটা মেয়ের র্যাপ হলে সেক্ষেত্রে সে যতটা পেইন পায় আমি ততটা পেইন পেয়েছি না, ওটাই এখন গসিপ হয়ে গেছে, সালমান খান কি করে ওটা বলে যে মেয়ে ইয়ে ব্যাপারে র্যাপের ব্যাপারে ওটা বলে, ও হয়তো এমনি বেসিক্যালি কমন পিপলস আর ডুইং মিন্স কনসেপ্ট ওয়াইজ ও হয়তো বলেছে, বাট দ্যাট পার্টিকুলার ইজ কামিং আপ অ্যাজ অ্যা হিউম্যান, কি সালমান খান, তাহলে সালমান খান কি কসরত করেছে যাতে ওর এই কষ্টটা হয়েছে, থিংক সাইকোলজি, ইস এ হিডিং অন দ্য সাইকোলজি, কি এমন কষ্টরত হয়েছে যার ওর মতো কষ্ট হয়েছে, যে বলছে সেও জানে না যে ওই মেয়েটার কষ্টটা কি, একমাত্র একটা মেয়েই বুঝতে পারবে, গল্প স্টোরি বানা দিয়া, আমি ও দেখনে গেলে ওহাঁ পে ভিড় জমা আয়েগা, সো সো দ্যাট ইজ আ কাইন্ড অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইটস কুড বি দ্য পজিটিভ, এগেইন ইটস কুড বি দ্য পজিটিভ, ইট কুড বি দ্য নেগেটিভ, ইট কুড বি ভেরি হিট, ইট কুড বি ফ্লপ, জাস্ট ইটস লুক লাইক আ সিনেমা, ট্রাই করে যেতে হবে, এক্স্যাক্টলি ম্যাম, এক্স্যাক্টলি ম্যাম, সো দ্যাট ইজ আ বেসিক্যালি দ্য স্ট্র্যাটেজিস, কাপল অফ স্ট্র্যাটেজিস, কোম্পানি মে তো স্যার ये जो इतना जो मतलब है उतना काम करता भी नहीं है, 25% नहीं करता, मैं जो आप लोगों को सिखा रहे हैं उसका 25% नहीं कर रहा है, तो आप कहां पे कहीं पे अगर इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे अगर वो बोलोगे, सो आई कैन चैलेंज दैट कि उसी 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 का जो टीम लीडर है दे इवन डोंट फॉलो द ऑल द मेथड्स, सर रिज्यूम में पूरा सब मेंशन कर देंगे, देखेंगे देख लीजिए, फिर उसके बाद कुछ बोलना होगा बोलिए, but you have to be also competent na, aapko kya hai na ye yahan pe jo seekh mil raha hai, you also do some study, aap study karo, aap dekho, aap implement karo, aapke paas opportunity hai, to prepare yourselves ki aise karke khud ko prepare karna ki interview board mein dekho, interview board mein hum log zyada se zyada main jo bolta hu jo 99% people mere ko milta hai job, we take the interviews, they usually job ke liye nahi aata, they usually job ka bheek mangne aata, सुनने में खराब लगेगा, सुनने में हर्ष लगेगा कि सर क्या बोल रहा है, क्या बकवास बोल रहा है सर, बहुत उल्टा सीधा बोलता है, बहुत उल्टा सीधा बोलता है सर, आई यूजुअली से कि सर यस दैट इज व्हाट आई फील, एक बंदा आएगा एंड इज बेसिकली दे डोंट इवन कम अप फॉर द योर कंपनी, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, दे डोंट नो व्हाट इज बैक ऑफिस के लिए बोल रहे हैं, बैक ऑफिस में क्या है, क्यों बैक ऑफिस के लिए काम कर रहा है, जो कंपनी में जा रहा है वहां पे किस लिए जा रहा है, व्हाट इज द नीड, जॉब के लिए जा रहा है, बट वो कंपनी में होता क्या है, कंपनी में क्या मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्या करके मेरे को रहेगा, नेवर एवर स्टडी, আমার বাবা অমুক করেছে, আমার ইয়ে করেছে, আমি অত সালে জন্ম করেছি, আমি এখানে পড়াশোনা করেছি, এই করেছি, ইনক্লুডিং ইউর সিভি, নেভার এভার প্রিপেয়ার ইয়োরসেলফস কি কম্পিটেন্ট ফর দ্য ইন্টারভিউ বোর্ড, they don't know what they are doing, 90% people trust me o hoyto amar sathe ekmot hobe jodi interview niye thake tokhon dekhbe ki 90% people jara interview dite ashe tara jane na tara ki korche tara jane na tara ki korbe tara etai jane je I need a job,
থাকলে দেখে না হয়তো কিছু আটকেছে বা কিছু হয়েছে। जितना सर ऐसे इंटरव्यू ले रहा है डिजिटल मार्केटिंग सर जो सीखे हैं वो अच्छा से सीखे हैं सर जो वो पर्टिकुलर है इंटरव्यू में 90% इंटरव्यूअर बेसिकली डोंट नो अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग दे ओनली गो थ्रू द द नेट की एसईओ की এটা এই এবং সে টার্মস গুলো শুধু বলে তুমি যদি ইউ আর কনফিডেন্ট তো আমি বলে দেব আমি বললাম 10 মিনিট বাদে বলবো কি বলবো সমস্যা হয়েছে বলেই ফোন করেছে আসছে বলো দুটো নাগাদ আসছে বলো দেখে দেব 10 মিনিট जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं गेस्ट पोस्टिंग्स में वी ऑलवेज टारगेट द डिफरेंट वेबसाइट डिफरेंट ब्लॉग गेस्ट पोस्टिंग किस लिए जरूरत होता है गेस्ट पोस्टिंग में जरूरत होता है कि You have a blog, right? You have a blog which is popular. आपके पास visitor है, but you don't have a time. जितना आप बड़ा होते हो उतना time कम हो जाता है. ये unfortunate है. तो क्या होता है कि you are not maybe आप बहुत मेहनत करके एक blog बनाया है. वहाँ पे traffic भी है. जो बोल रहे हैं 10,000-15,000 का वो 1,00,000 भी हो सकता है. But they don't have a time to think. But वो traffic ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा. अगर you are not giving the food update. So क्या होता है? In that cases they open up option. कि एनीवन कैन पोस्ट ऑन देयर वेबसाइट एंड दे विल पब्लिश इट तो क्या हो रहा है बेनिफिट्स क्या मिल रहा है जो दे रहा है उसका बेनिफिट है कि मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसके रिटर्न मेरे को एक लिंक मिल रहा है और जो ले रहा है उसका बेनिफिट होगा भाई मैं तो नहीं लिख पा रहा हूँ तो दूसरा बंदा लिख रहा है ताकि मेरा विजिटर्स उसको बेनिफिटेड हो तो मैं वही कंटेंट लूंगा जो मेरे विजिटर्स के लिए बेनिफिटेड होगा और जो देने वाला है वो वही कंटेंट देगा कि वो एक्सेप्ट करे Yes, sir. ये दोनों का relationships और bonding में होता है. And guest posting is a very like some kind of अगर पहले जो हम लोग बात किए हैं press release और article उससे थोड़ा बेहतर guest posting है बहुत बेहतर है मतलब if I say 75 more than 75% or 80% is much better than the article and things मान लो कि आपको 10 link मिला है article से और एक link मिला है guest posting site से अच्छा site से is equivalent to look like this. Why? Again, आपको आपको अगर 10 girlfriend है और सुष्मिता सेन का जो अगर आपको friendship मिल जाए तो ये वो same बराबर होगा मतलब वही वही टाइप का जैसा होता है फॉर एग्जाम्पल No, the point is basically it's just joking apart. Article site ki hoy, article size, all other free sites na. Jokhon tumi 10ta site e submit korcho, they only verifying the unique content mm-hmm. or grammatical things. They are nothing it's verifying any anything else. So you can do, Shajol can do, Kundan can do, you can do. Anyone can post over there. But that blog, 5 jon korle. তার মধ্যে একজনকে হয়তো পোস্ট করার জন্য অ্যালাউ করবে বিকজ দে আর ভেরি রেস্ট্রিক্টেড আর্টিকেল সাইটেও ট্রাফিক আছে এদের সাইটেও ট্রাফিক আছে এদেরটা অনেক টার্গেটেড বিকজ এই ব্লগ যে হতা ও ভেরি স্পেসিফিক অর সাম সার্টেন ক্যাটাগরি লেকে হতা সো ইউ উইল বি হিট দ্য রাইট পিপলস ইন দ্য রাইট প্লেস সো গেস্ট পোস্টিং সে লিঙ্ক মিললা থোড়া বহুত দিক্কত কি বাত হতা থোড়া বহুত টাইম লাগতা আপকো রেগুলারলি ফলো আপ করনা হ্যায় ডিফারেন্ট টেকনিক সে एंड सो दैट आप इम्प्रेस कर पाओ उनको कि उनकी साइट में उनकी ब्लॉग में आपका कंटेंट आ जाए एंड यू कैन मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट दैट कि यू आर क्वालिफाइड टू पुट अ राइट कंटेंट फॉर देयर वेबसाइट ठीक है सर सो क्या होता है तरीका क्या है लुक एट दिस इसमें भी कंटेंट चाहिए सर यस सर
कंटेंट के बिना नहीं चलेगा, कंटेंट को गर्लफ्रेंड बना लो, कंटेंट मार्केटिंग है एकदम। कंटेंट इज अ बेसिकली मेन पार्ट फॉर आवर डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज नाउअडेज, विदाउट कंटेंट नहीं चलेगा। आई एग्री विथ यू। ओके थैंक यू। इस पोस्टिंग वेबसाइट लिस्ट ठीक है, तो देयर इज अ प्लेंटी ऑफ साइट्स इज देयर, लुक एट दिस 20 टॉप क्वालिटी साइट्स, एक्सेप्ट द थिंग्स 41 साइट्स, सो देयर इज अ प्लेंटी ऑफ साइट्स लिस्ट यहां पे आ जाता है। अगर यहां पे और भी है इन यूआरएल, और एक हम लोग ये करते हैं इन यूआरएल होगा, लुक एट दिस, जो जो यूआरएल में जो साइड में वो गेस्ट पोस्ट रहेगा और गेस्ट पोस्टिंग रहेगा वही साइड आपको दिखा देगा। तो यही अच्छा है, तो दोनों अच्छा, वो भी हाँ, तो दैट इज पर्टिकुलर, सॉरी नहीं तो आप इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, गेस्ट पोस्ट, तो गेस्ट रहेगा पोस्ट रहेगा, तो दैट इज आल्सो कैन कम, लुक एट दिस, ठीक है वो भी आएगा। क्लियर सर, डन सर, बस इसमें भी रजिस्टर इन यूआरएल कोलन प्लस गेस्ट प्लस पोस्ट, ओके गेस्ट और पोस्ट अगर पॉजिटिव रहता है उसमें कंटेंट में, देन इट विल शो। हां इसमें तो सेम मतलब ये है ना सर कि रजिस्टर करके फिर उसको लॉगिन करके उसमें पोस्ट कर दिए। नो सर, नो 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 नो, दैट इज द डिफरेंस। हां अलग है। तो क्या होता है कि देखो फॉर एग्जांपल मैं कौन सा लिया है, ये लिया है ठीक है, तो यहाँ पे ये बंदा मेंशन कर रहा है कि कहाँ कहाँ है और समथिंग, लुक एट दिस, यहाँ पे बेसिकली फॉर एग्जांपल ये वाला है ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग साइट आर की अलाउ करछे आर की, থ্যাংক ইউ ফর এ you find a list here, guest posting এর জন্য ওরা কিছু ইনফরমেশন দিচ্ছে যে ইনফরমেশন তোমাকে ফলো করতে হবে, যে এই প্যাটার্নটা আমি মেনটেন করতে পারো তাই আমি তোমাকে গেস্ট পোস্টিং করতে দেবো। সো ইন দ্য কেসেস বেসিক্যালি আপকো ইয়াহাঁ পে পাতা চলেগা কি ইনকা ভি বহুত সারা লিস্ট হ্যায়, ঠিক হ্যায়, यहाँ पे भी बहुत सारे लिस्ट है, लुक एट दिस राइट फॉर देम। सो व्हाट यू हैव टू डू इन अ गेस्ट पोस्ट, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लेटर आपको लिखना है, यस यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम ना, आप कम्युनिकेट यहाँ पे गेस्ट पोस्ट में जैसे बेसिकली कम्युनिकेशंस रिक्वायर्ड इन फॉर्म ऑफ मे बी द ईमेल, मे बी द स्काइप, maybe the LinkedIn connection, maybe the social matlab Facebook, Twitter, etc. Social media. Yeah, communication through. এটা মানে হচ্ছে communications through this. মতলব তুমি ধরো এখানটায় একটা অপরচুনিটি পেয়েছো, এখানে গেলাম রাইট, গেস্ট পোস্টিং এখানে গেলাম, ও আমাকে গেস্ট পোস্টিং সম্পর্কে দিল এবং এটা কোন কোন টপিকস কভার করতে পারবো, আমি কোন কোন টপিকস ওরা অ্যালাউ করে সেটা তোমাকে দিয়ে দিবে, ওয়েব অ্যানালিটিক্স রিলেটেড, কনভার্সন রিলেটেড, এবি টেস্টিং রিলেটেড, কেস স্টাডি রিলেটেড, ওরা সার্চ করতে পারি তো আমি কোন কোন, এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ, ওরা কিছু কিছু সাইট মেনশনই করে দেবে যে ওরা এই ক্যাটাগরির উপরে কন্টেন্ট দিলে তবে ওরা অ্যালাউ করবে, করার পরে তুমি এখানে দেখো ক্লিক হিয়ার টু স্টার্ট গেস্ট পোস্টিং, যখন এখানে ক্লিক করবে তখন পার্টিকুলার্স ইট উইল অ্যালাউ ইউ টু সাম কেসেস টু আপলোড অর দ্য ইনফরমেশনটাকে দেওয়ার জন্য ও অ্যালাউ করবে, কিছু ক্ষেত্রে ওরা ফার্স্ট কি হয় কি কন্ট্যাক্ট করতে বলে, মানে তোমার যে ডিটেলসটা সেটা তোমাকে মেল করতে হয়, যেমন ধরো এর ক্ষেত্রে দেখো এর ক্ষেত্রে কি হয়েছে কি এ তোমাকে কন্ট্যাক্ট করতে দিয়েছে ঠিক আছে, অ্যাড ইনকোয়ারি এখানে বিভিন্ন ইনকোয়ারি সেকশনসে আছে
ठीक है, ऐड इंक्वायरी, कॉपी करेक्शंस, अदर टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, तो ऐड इंक्वायरी होबे। এখানটা তোমার মেইনটা করবে, হাই আই এম ফ্রম সাচ এন্ড সাচ ওয়েবসাইট অ্যান্ড আই এম ইন দিস ইন্ডাস্ট্রি লাইক ফ্রম ইউ স্টার, ইউ জাস্ট পুট ইউর সাম ডিটেলস, সাম ইউএস অ্যান্ড ইউ ক্যান মেনশন দ্যাট ইউ আর রিডার অফ দ্যাট ব্লগস অ্যান্ড ইউ ফাইন্ড সাম কন্টেন্ট ইজ স্টিল দে হ্যাভ নট কভার্ড হুইচ ইজ রিকোয়ার্ড ফর দেয়ার ওয়েবসাইট অ্যান্ড ইউ ক্যান প্রোভাইড দ্যাট, মেবি ইউ আর প্রোভাইডিং সাম টাইটেলস অফ ইউর কন্টেন্ট বাট ইউ ওয়ান্ট টু পাবলিশ ইন দেয়ার ওয়েবসাইট, ঠিক আছে, মানে টাইটেল দিয়ে দিলে সাচ অ্যান্ড সাচ টাইটেল কি তোমার সাইটে এই কন্টেন্টের উপরে আমি লিখতে চাই বা এই আর্টিকেল টাইটেলের উপরে আমি তোমাকে কন্টেন্ট দিতে চাই, সো ইন দ্যাট কেসেস ইফ দে হ্যাভ নট কভার্ড ইট সো দে উইল দে মাইট লাভ টু গেট ইট, মেইনলি রিসার্চ বেস যেগুলো ডেটাগুলো হয় সেগুলোর জন্য সব সাইটই মুখিয়ে থাকে বিকজ দ্যাট রিকোয়েস্ট ইউর এফোর্ট অ্যান্ড অল, জেনারিক রাইটিং তো এভরি ওয়ান ক্যান ডু, সো সেটা যদি করা হয় তাহলে পিপলস এগ ফর দ্যাট, যতগুলো মানে দেওয়া আছে আপকো উসকো ইম্প্রেস করতে কে লিয়ে আপকো থোড়া বহুত রিসার্চ ওয়ার্ক করনা পড় রহা হ্যায়, থোড়া আরএনডি করনা পড় রহা হ্যায় তাকি আপকো উসসে সাইট সে লিংক মিলে, আগর লিংক মিল রহা ইট ইজ কাউন্ট এজ এ, দ্যাটস ওয়াই ইটস কাউন্ট এজ এ মাচ ভ্যালুয়েবল দ্যান দা আদার পোর্শনস, क्लियर सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है 100% सर, कंफ्यूजन दूर करेंगे ना, ठीक है सर, ये इंगेज्ड पोस्ट करेक्ट गया प्लस करके कर रहे हैं, कोई भी आप गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट लिस्ट देके भी आपको मिल सकता है, ये तो कर सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, अब इसके थोड़ा इसको समय देना पड़ेगा ना, আমি যখন সার্চ করবো তখন নিশ্চয়ই মানে অ্যাপটা রিলেটেড দেখবো বা ওয়েব রিলেটেড দেখবো, দেখে দেখে यहाँ पे उन्होंने काफी सारा एक सर बहुत फास्ट जा रहे हो, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए उन्होंने कुछ सजेस्ट करा, मतलब आपका हेल्थ रिलेटेड है तो हेल्थ रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, डिजिटल, तो सपोज दैट ये है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, हां तो फिर सो यहाँ पे राइट फॉर देम, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, कुछ कुछ साइड में रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन रहता है, कुछ कुछ साइड में सबमिट करने का ऑप्शन रहता है, तो फर्स्ट कम्युनिकेट विद देम, ऐड भी करने का होता है, नहीं हाँ वो ऐड करने का उतना मौका नहीं रहता, यूजुअल बेसिकली वो अलाउ करेगा तब ना आप कंटेंट दोगे, अगर वो अलाउ नहीं करेगा आपके साथ डील नहीं बना, यहाँ पर डीलिंग्स का बात होता है, तो आप कंटेंट दे दिया उन्होंने आपको नहीं बोला तो वो कंटेंट लेके दूसरा साइड में वो सबमिट कर दिया, तो आपका कंटेंट भी गया आपको लिंक भी नहीं मिला, आप पहले उसके साथ कम्युनिकेट करो कि भैया मैं यहाँ पे आपके साइड में ये कंटेंट आपको देने के लिए आपको रेडी है, सो आर यू एग्री फॉर दैट, आर यू लुकिंग फॉर दैट कंटेंट, दैट टाइप ऑफ कंटेंट, आर यू वांट दैट थिंग्स, और डू यू अलाउ मी टू शेयर माय वेबसाइट लिंक इन ऑथर बॉक्स, वो भी आपको ले लेना, परमिशन ले लेना है, उस मतलब वो क्योंकि आपको कंटेंट दे रहे हो, दे आर नॉट गिविंग ए लिंक, सो वो भी आपको फायदा नहीं है, तो आपको वो मेंशन करना है, इन रिटर्न बेसिकली आई जस्ट वांट्स अ लिंक बैक फॉर माय वेबसाइट एज अ कार्टेसी as a gesture or something, so would you allow me for that, if it is then I can shoot you the mail, I can send you the mail with the content within next 24 hours, simple that information, then you shoot that same mail draft into the 100 blocks, ye ek tarika hai jahan pe already you know ki this people are allowing, aur ek tarika hai mera industry apps, to maine yahan pe likha apps development related blog, app blogger, অ্যাপ রাইটার, অ্যাপ ব্লগ, ওয়েবসাইট, হ্যাঁ, এবার সেই ব্লগের কন্ট্যাক্ট আস পেজে গিয়ে উই আর কন্ট্যাক্টিং কি ওই ব্লগ থেকে আমি লিংকসটা পাই, ব্লগ ইজ মানে আমার একটা ভালো একটা ব্লগ আছে, হ্যাঁ, তো ওই ওয়েবসাইট থেকে তো আমি লিংকসটা পেতে চাইছি, হ্যাঁ, ওর ওখানটায় কি আমি এখানে লিখছি অ্যাপ ব্লগার, হ্যাঁ, অ্যাপ রিভিউয়ার,
ভাবো অ্যাপ রিভিউয়ার এর যে সাইটটা রয়েছে, হি অর শি ইজ রিভিউইং আ লট অফ অ্যাপ, তো ওকে এবারে অ্যাপ্রোচ করা হলো যে আই ওয়ান্ট টু গিভ আ ওয়ান অ্যাপ রিভিউ ইন ইউর ওয়েবসাইট অন সার্চ এন্ড সার্চ, দেন ইউ ক্যান কাম আপ ফর দ্যাট। সো এখানে দেখো এই যে সাইটটা আছে এপিকে ব্লগার অর সামথিং, 15 অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস এভরি ব্লগার শুড হ্যাভ, যেমন এই হংগি ক্যাট, তার মানে এরা অ্যাপ নিয়ে লিখছে। তো এবার আমি দেখতে পাচ্ছি না, তার মানে আমি জানি না ও অ্যালাউ করছে কি করছে না। তখন আমি কি করছি ওর কন্ট্যাক্ট পেজে যাচ্ছি, তখন আমি কন্ট্যাক্ট আস পেজ মে যাওঙ্গা, কন্ট্যাক্ট আস পেজ মে আই উইল পুট দেয়ার কন্ট্যাক্ট সেকশন উইল বি देयर, ও কন্ট্যাক্ট সেকশন ফর্ম অফ আপকা ফর্ম মে রহ সকতা হ্যায়, ইমেল রহ সকতা হ্যায়, উসকে স্কাইপ ডিটেলস দে সকতা হ্যায়, উসকা লিংকডইন অর নেইট দে সকতা হ্যায়, মে উসি কে সাথ এক রিলেশনশিপস মে উসকো কমিউনিকেট করেঙ্গে, গো ফেসবুক মে মে উসকো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট ভেজেঙ্গে। ইয়ে কালটিভেশন হ্যায়, ইয়ে এক আর্ট ওয়ার্ক হ্যায়, ইটস নট জাস্ট জাস্ট অনলি আই এম ডুইং এন্ড দিস, সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি। এক বড়া সাইট সে লিংক মিলনা is basically is coming up with a hard work. Thinking about the male part, in our case is basically he's a very good guy, NRI guy, and also basically his blog is very popular. So wahan se agar link lena to mereko uske sath relation banana padega, then he will allow in their publish or jayega or okay ami jodi approach kori okay bole je tomar baba okhane giye apps niye ami ekta lecture debo, apps marketing niye ekta lecture debo, though is apps related, ami dicchi marketing er lecture, ভালো করে ভেবে দেখো। তাহলে ওখানে গেলে ও ওর সাথে আমি রিলেশনটা রেডি করবো, তবে না ওর ওখানে গিয়ে আমি ও পারমিশন দেবে। তাহলে ইট টেক্স মেবি দ্য ওয়ান আওয়ার, ওয়ান ডে, ওয়ান মান্থ, ওয়ান ইয়ার অলসো, সো ইটস এ কাইন্ড অফ থিংস। কিছু জায়গায় খুব ইজিলি পেয়ে যাবে, কিছু জায়গায় তুমি ইয়ে পাবে না, যেমন এগুলো তো এমনি ফ্রি ব্লগ ধরো এই এটা লিখেছে, তো এবার এখানটা কি করবো, এর কন্ট্যাক্ট আসের একটা সেকশন থাকবে, লুকে দিস দিস ইজ এ কন্ট্যাক্ট, তো এখানে গিয়ে বা এই যে দেখো ও রাইট ফর আস দিয়েছে, তার মানে এই কন্টেন্ট নেয়, উসমে एंड नेक्स्ट इजिली फॉर्मेट बेसिकली जो कॉन्टेंट मार्केटिंग है ऐसे काफ़ी सारा कॉन्टेंट मार्केटिंग में आता है एंड आई हैव आई थिंक आप लोगों को नोट दे दिया है दैट कॉन्टेंट मार्केटिंग में और भी सेक्शन जो आता है दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ डिफरेंट थिंग्स लाइक पीपीटी पीपीटी सबमिशंस कॉन्टेंट मार्केटिंग में वहाँ पे उसके अंडर में आपका पीपीटी शेयरिंग वीडियो আপকা ডক মতলব ডকুমেন্ট রাইট সো ইবুক ইবুক ইমেজ ভি আপকা কন্টেন্ট মে আয়েগা এন্ড দিস সো ক্যা হোতা হ্যায় ইয়ে জো সারা ক্যাটাগরি হ্যায় ইসকা মতলব ইয়েহি হ্যায় আপকো সিরফ ওহি ঢুঁড়না হ্যায় জেসে কি পিপিটি সাবমিশন জাস্ট সিম্পল পিপিটি সাবমিশন অর নেহি তো পিপিটি প্রমোশন ওয়েবসাইট লিস্ট Simple. क्या होगा? There is a lot of website, those allowing you to submit your PPT or presentations in their website. For example, slideshare.net. কি হবে? ওই সাইটে আমাকে PPT রেডি করতে হবে আর PPT এ ফর্ম অফ কন্টেন্ট, ঠিক আছে? আমি যতটা পপুলার PPT বানাবো, যতটা অ্যাট্রাক্টিভ PPT বানাবো, there is a chances ওই PPTটা আবার অন্য কেউ শেয়ার করছে তাদের সাইটে, তখন আমি ওই PPTর একটা লিংক আমি পেতে পারি। স্যার, তো PPT যে বানাকে দেবে ও কি তো কন্টেন্ট রাইটার দেবে? এক্স্যাক্টলি, কন্টেন্ট রাইটারই দেবে। সাম কেসেস বেসিক্যালি PPT আপকো বানানা পড়তা হ্যায়, তো কন্টেন্ট কন্টেন্ট রাইটার সে লে সকতো, বাট PPT আপকো বানানা হোতা হ্যায়, হো সকতা হ্যায়, হ্যাঁ। हो सकता है। सो PPT में क्या करना है, जस्ट पावर पॉइंट में आप स्लाइड बनाओ ऑन द बेस ऑफ थिंग्स, मैं आपको फटाफट दिखा देते हैं, ठीक है? तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल, बहुत एक पॉपुलर साइट है slideshare.net, आप यहाँ पे भी लिस्ट में डेफिनेटली रहेगा।
देखो issue.com/share.now देखते बच्चों सो दिस ऑल आर द बेसिकली आपका दो सारे अलाउ या दे अलाउ द पीपीटी दे एक्सेप्ट मतलब इस साइट में जाकर पीपीटी सबमिट कर देंगे एग्जैक्टली पीपीटी बना के वो सबमिट करना है तो क्या होगा सबमिट ऐसे तो नहीं कर पाओगे यू नॉट अलाउ तो आपको पहले साइन अप आपको रजिस्टर करना है जैसे से आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो क्या होगा दे विल ऑल्सो आस्क यू फॉर द योर बिजनेस डिटेल्स आपका पिक्चर मांगेगा आपका वेबसाइट डिटेल्स मांगेगा उसी बहाने में आपको लिंक मिलेगा फॉर एग्जाम्पल देखो व्हाई मार्केटिंग शुड केयर अबाउट एंटरटेनमेंट ठीक है मैं यही स्लाइड्स देखता हूँ तो यही बंदा किसी ना किसी कंपनी इसको पब्लिश किया है कि नहीं किया ना तो क्या हुआ ओवर हियर लुक दिस 12,063 व्यूज उनको मिला है उनको बिजनेस के बारे में जैसे कि वर्कशेयर सो इस दे आर कमिंग इन दिस सो क्या हुआ लाइक्स यहाँ पे दे हैव गिवन द डिटेल्स एंड ऑल एंड इफ यू कम अप इनटू देयर प्रोफाइल लुक दिस देयर प्रोफाइल देखो लिंक्स है यहाँ पे देखो क्लिक कर उनका वेबसाइट ओपन हो रहा है तो मतलब क्या हुआ उसी साइट देने के बहाने में आपको अकाउंट एक बना सकते हो एंड अकाउंट बनाने के बहाने में आपका वेबसाइट वहां पे दे सकते हो एंड यू आर गेटिंग दैट वेबसाइट क्लियर सर ठीक है यही हिसाब से आपका वीडियो आपका इमेज वो आपको रेडी करना है जैसे आपको रेडी है आप वीडियो वेबसाइट इमेज वेबसाइट वहां पे जाके आप सबमिट करोगे सबमिशन में सारा चीज में सारा जो सेक्शंस है उसमें फर्स्ट जो करना है उसको फर्स्ट स्टेप्स स्टेप वन मतलब वीडियो सारा 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 ईबुक और इमेज एकदम एकदम सारा सर प्रिपेयर योर और एडवर्टाइजमेंट मटेरियल्स मतलब पीपीटी वीडियो आप जो एडवर्टाइज करने चाहते हो वो पहले बना लो वीडियो तो यूनिक होना चाहिए एकदम डेफिनेटली सर स्टेप टू रजिस्टर इनटू पॉपुलर वेबसाइट्स विथ ऑल इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड स्टेप वन में तो साइन अप सर लिखे नहीं नहीं पहले प्रिपेयर कर लेना है उसके बाद आपको वहां पे साइट में जाना है जहां पे ठीक है स्टेप थ्री इज बेसिकली डेफिनेटली पब्लिश योर कंटेंट देयर विथ गुड डिस्क्रिप्शन ये ना एंड इन्फो मींस दिस इन्फो बिजनेस इन्फो फॉर बेटर आरओआई ठीक है दैट इज एग्जैक्टली टेक्निक व्हाट वी फॉलो इनटू द इन जेनेरिक मेथड्स ये तो यूजुअली काम घर में भी तो वैसे कर ले सकते हैं या एकदम आप वर्ड डॉक बना सकते हो ईबुक बना सकते हो इमेज बना सकते हो पॉडकास्ट बना सकते हो इज अ फॉर्म ऑफ द वॉइस पॉडकास्ट भी इसमें आ जाएगा सर मैंने वीडियो आएगा तो पॉडकास्ट भी आएगा जैसे पॉडकास्ट जो करेंगे उसका भी स्टेप यही कर सेम का सर सबका सब आर्टिकल प्रेस रिलीज वगैरह वगैरह सारा का सेम है सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग में आप पहले रिक्वेस्ट करके उससे परमिशन लो उसके बाद बनाओ और कुछ है तो बोलिए सर जैसे एक नहीं भैया ये इसमें हो जाना चाहिए पीपीटी हो गया डॉक ईबुक सेम है इंफोग्राफिक्स आप ले लो इंफोग्राफिक्स भी इसमें आएगा तरीका सेम है आपको इंफोग्राफिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है जैसे कि जमन ধরো ইনফোগ্রাফিক্স এর মধ্যে ফারস্টে আমরা একটা আর্টিকেল লিখছি তো আর্টিকেলে লিখছি দেখো খুব ইন্টারেস্টিং আর্টিকেলে কি লিখছি যে চিকেন কারিটা তেল দিয়ে বানাতে তেল ছাড়া বানাতে গেলে ফারস্টে চিকেন উপকরণ ইনগ্রেডিয়েন্টস চিকেন 500 গ্রামস ये রসুন এত পেঁয়াজ এত 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 বাগরা বাগরা ফারস্টে এটাকে ধো কাটো এই করে এটা বানাচ্ছি এটা হচ্ছে আর্টিকেল ওয়াইন ইট ইজ এ ইনফোগ্রাফিক ভিডিও ইউ আর শোয়িং দ্যাট ইনটু দা থিংস When you are creating e-books, you are creating the same articles among information, more information and all. When it is coming into the that ones, like podcasting, you are telling in terms of voice. There's no video. Only a move pe bol rahe ho. Jaise main baat audio recording. Audio recording.
दैट विल बी द कमिंग अंडर द पॉडकास्टिंग। एंड जब आप बात करते हैं इंफोग्राफिक्स, तो तब क्या करते हैं उसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, मतलब सारा डेटा रहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब एक बार देखो, एक नहीं नहीं भैया मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। प्लस मजा आ रहा है आपका कुंदन जी? अभी तो एक तो चीज पूछना बाकी है। बाकी है भाई, क्या कर रहे हो? पूछना बाकी नहीं रहना है सर, पूछ देना है सर। दिल में कुछ मत रखो, हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। जो भी है उसी के चलते तो रुका हुआ है, जो ट्रेन है हावड़ा स्टेशन पर भी रुका हुआ, हावड़ा स्टेशन पर रुका हुआ है, अभी आ जाएगा। যখন আপনার ইমেজটা করবেন, ইমেজের নামটা প্রপার হওয়া উচিত। অর্থাৎ ইমেজ যেটা আমি দিচ্ছি সেখানে বিদ্যুৎ বিকাশ ধর, আমার ইমেজের নামটা বিদ্যুৎ বিকাশ ধর অ্যাট মেবি দ্য ভাইজাক, ঠিক আছে? এবার তার এবার যখন আমি যেখানে সাবমিশন করছি সেখানে পার্টিকুলার, তখন অল টেক্সট দেওয়ার অপরচুনিটি থাকলে অল টেক্সট আমি দিয়ে দিলাম। লুক এট দিস, দিস ইজ দ্য ইনফোগ্রাফিক্স, রাইট? মেরা তো খুদ কা কেনা হুয়া ইমেজ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে সাথে ফটো, সেম সেম সেম। লুক এট দিস, ওই যেটা বলেছি ছবি দিয়ে, ওই যেটা ইনগ্রেডিয়েন্টস ছবি দিয়ে এটা বোঝানো, এগুলো সবগুলো বানিয়ে এবার তোমাকে সাবমিশন করতে হবে ইনফোগ্রাফিক্স সাইটে। ইমেজগুলো আছে এগুলো সব অপটিমাইজেশন করার জন্য আসছে গুগলে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি স্যার। ইসকো বানায়েঙ্গে ফির কেসে, মতলব यहाँ पे ये तो एक तो है आपको डिजाइनर का हेल्प लेना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपका जो टीम में डिजाइनर विल हेल्प फॉर दिस। अगर डिजाइनर नहीं है आपको थोड़ा बहुत फोटोशॉप, आप ऑनलाइन में लॉट ऑफ फोटोशॉप प्लेटफॉर्म इज देयर, आप उसका हेल्प ले सकते हो। अगर वो भी नहीं है आप सिंपल सा आप इमेज पेंट है उसमें कर सकते हो, और वो भी नहीं है इन दैट केसेस देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स क्रिएशन वेबसाइट प्लेटफॉर्म है, इन्फोग्राफिक्स जनरेटर है, इन्फोग्राफिक्स जनरेटर ऑनलाइन फ्री। सो दे गिव्स अस सम ग्राफिकल शेप्स एंड थिंग्स, जैसे जो कंपनी थोड़ा तो देना है मैम, थोड़ा दीजिए, वो आपको फ्री दे रहा है, आपको भी तो उसकी कुछ देना है मैम, अदरवाइज तो बस दे अल्लाह ही। नथिंग अवेलेबल इन दिस विद फ्री माय डियर, फादर मदर इज नॉट गिविंग फ्री फूड। এবারে বলি কি, আমার ওয়েবসাইটে অনেক আছে, ঠিক আছে, মানে ভিজিটরস অনেক আছে, তো সামওয়ান আস্ক মি ফর ব্যাকলিংকস, হয়ে সকতে বাট ইট ইজ নট গুড ফর দ্যাট, মানে ইন দ্যাট কেস ইউ লুজ ইওর ট্রাফিক business, you can, you might means like they are getting a potential link queries from your website, backlink মানে ওটাকে আমরা আউটবাউন্ড লিংক বলি, মানে আমার সাইট লিংকটা বেরিয়েছে। এবার মানে ম্যাটারটা কি, ব্যাকলিংকস মানে আমি ওকে একটা লিংক দেব, তাই তো? ব্যাকলিংকস মানে দু ধরনের হয়, একটা ইনবাউন্ড লিংক আর একটা আউটবাউন্ড লিংক। আমি যদি কাউকে লিংক দিই তখন সেটি হবে আউটবাউন্ড লিংক, লিংক দি মানে আমার ওয়েবসাইট, তোমার আপনার ওয়েবসাইট, আমি ওখানে কন্টেন্ট দিচ্ছি এবং কন্টেন্ট দিয়ে আমি আমার সাইটের লিংক ওখানে দিয়েছি, তাহলে আপনার ক্ষেত্রে সেটা হয়ে যাবে আউটবাউন্ড লিংক, আমার ক্ষেত্রে হয়ে ইনবাউন্ড লিংক। আমি আপনার সাইট থেকে আমি ব্যাক লিংক পাচ্ছি, মানে ব্যাক লিংক পাচ্ছি, ইনবাউন্ড ওটা প্লাস আমার ক্ষেত্রে ইনবাউন্ড হলো, মানে যেটা আমরা করব এক্স্যাক্টলি, আমি ইনবাউন্ড লিংকসটার ক্ষেত্রে আমরা মত দিচ্ছি, মানে অন্য ওয়েবসাইটে আমি আমার লিংকটা দেখানো, এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। লুক ইট, অলরেডি হ্যাভ সাম শিপ, আপকো উসকা পেইড ভার্সন ভি হ্যায় ফ্রি ভার্সন ভি হ্যায়, তো আপ ইয়াহ আকে আপ ইনপুটস দে দেঙ্গে তো উসকা শেপ বন জায়েগা। কি স্যার, কি ইসমে কি স্যার, পিক টু, পিক টু চার্ট, পিক টু চার্ট, ভেনগেস, ঠিক আছে, হো গিয়া। সো আজ কে লিয়ে ইতনা তাক, নেক্সট ক্লাস মে হাম লোগ থোড়া বহুত ডিসকাস করেঙ্গে, জাহাঁ পে হুইচ ইজ আ লিটল বিট ট্রিকি, नॉट ट्राफा इस अच्छी की उसके बारे में कब बात करेंगे, और बाद बाकी जो भी है, जो भी और सेक्शन है वो भी हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी? थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच सर. अच्छा नहीं ठीक है. ऑन पेज में